नमस्कार, मैं मनोज अरोरा और आप देख रहे हैं सिटी न्यूज 100। आप देख सकते हैं कि ये दृश्य जो है फरीदाबाद का है और देखिए किस तरीके से लोगों को यहाँ पर इस गंदगी से बाहर आना पड़ रहा है। ये देखिए, ये जो एरिया है, ये जो इलाका है, दो पार्षदों के बीच का है। देख सकते हैं किस तरीके से लोगों को इस समंदर पार करना पड़ सकता है। वारे पार्षदों, कैसे ये जो जनता है, कैसे इनको पार करवाओगे? देखिए किस तरीके से जो महिला है बाहर निकल रही है इस समंदर में से। एक बार इन महिला से पूछने की कोशिश करेंगे। अम्मा, ये समंदर में से आ रहे हो, कैसा लग रहा है? नाले का पानी है, बिल्कुल नाले का पानी है। क्या कहोगे पार्षदों से, समंदर कैसा लग रहा है पार करने में? ऐसे ही गंदे घुसना। आप समंदर में से आ रहे हो, कैसे लग रहा है? बिल्कुल जी, गंदा पानी है, कब से हो रहा है, ये रास्ता बिल्कुल खराब पड़ा। पार्षदों को क्या कहोगे? पार्षदों से कहेंगे अपना काम करें। हम आपको बता, हाँ जी भैया, आप बड़े उसमें हैं, क्या हुआ? ये भाई साहब, बहुत परेशानी आ रही है, 3-4 दिन से लोग बहुत परेशान हो रहे हैं। नाले का पानी बाहर आ रहा है, नाला बंद कर दिया यहाँ से 2 नंबर का, ये सारा पानी पार्क में होके बाहर आ रहा है। इससे बहुत परेशानियाँ आ रही हैं, सबको परेशानी आ रही है, दुकान वालों को, पैदल चलने वालों को, सबको परेशानी आ रही है। आपका तो काम भी यहाँ पे लोग खा कैसे रहे, खाना खिला रहे, क्या करे सर, रोजी रोटी ये करना पड़ेगा काम। क्या तो देख रहे हैं, समंदर पार कैसे किया पूरा? बहुत मुश्किल हो रही है यहाँ पर, बदबू इतनी गंदी है कि पूछो मत। और यहाँ तो अब निकलने ही बड़ा भारी पड़ रहा है, देख लीजिए आप भी। ये देखिए, जितने भी लोग हैं कह रहे हैं कि भैया निकलना, ये जो समंदर है इससे तो नहीं है, पार ही नहीं हो रही है। ये देखिए, जो हम आपको बता दें, जितने भी हमारे दर्शक देख रहे हैं, इस वक्त हम प्याली चौक पर खड़े हैं। आप देख सकते हैं सामने से जो रास्ता आ रहा है वो प्याली चौक से फर्नीचर मार्केट के लिए जाता है। और जितने भी दर्शक हैं हमारे, हम उन सबको एक बार बता दें, ये जितना भी एरिया है दो पार्षदों के बीच में फंसकर रह गया है, दो वार्डों के बीच में फंसकर रह गया है। जो सामने वार्ड है वो वार्ड नंबर सात है, जो कि बीर सिंह नैन का पड़ता है। और इधर आप फर्नीचर मार्केट की तरफ जाएंगे तो वार्ड नंबर 11 है, जो मनोज नासवा का है। दोनों पार्षदों को शर्म करनी चाहिए कि अपना जनता को यहाँ पर वो मूलभूत सुविधाएं नहीं दे पा रहे हैं, उन्हें इस गंदगी से निकलना पड़ रहा है, पार करना पड़ रहा है। देख सकते हैं किस तरीके से वो पार कर रहे हैं। देखिए पूरा जो समंदर यहाँ पर भर चुका है, किस कैसे वो इसे पार करेंगे। यहाँ पे और भी ऑटो वाले आ रहे हैं, यहाँ जो इनका काम है, एक बार हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। ये जो यहाँ पे जो बैठे हुए हैं, खाना खा रहे हैं, भैया कैसे खाना खा रहे हैं आप यहाँ पर? अरे खाना क्या खाया जा रहा है, बस मजबूरी है जो खाना पड़ रहा है यहाँ पर। आप यहीं के निवासी हैं? अब यहीं के निवासी डुबई रहते हैं, यहाँ पर खाना खाना आना। पार्षदों को बोलो कभी भैया कुछ तो सफाई करवाओ यहाँ। पार्षदों को नहीं दिखाई दे रहा है यहाँ पर क्या हो रहा है, उन्हें भी तो चाय वाय पे बोलो भैया हमारी नहीं है तो पार लगवाओ कम से कम। भाई जी कोई नहीं है, पार लगवा रहे, सब अपना काम कर रहे हैं, बस कुछ ना होने वाला है। क्या कह रहे हैं भैया? अरे भाई मेरी तरफ मत करो यार। ये देखिए, यहाँ तो जनता ही अपनी समस्या की आवाज नहीं उठा रही है। हम आपको फिर से एक बार बता दें कि भैया क्या देख रहे हैं, बड़ी गंभीरता से देख रहे हैं अपना रोड को। भाई साहब देख यही रहे हैं कि आने जाने वालों को बड़ी परेशानी हो रही है आज एक हफ्ते से, पानी बदले आने की वजह से रोड पे पानी रुका हुआ है, कचरा का पानी है। आने जाने या तो पार्क में से जा रहे हैं या तो महिलाओं को, पैदल चलने वालों के लिए बिल्कुल परेशानी है। बेचारे जाने के लिए किसी बाइक वाले को रोक के सहारा ले रहे हैं, किसी ऑटो वाले का सहारा ले रहे हैं। शाम को तो जनानियों के लिए और लेडीज जो आ जा रही है काम करने वाली, उनके लिए तो बहुत ही परेशानी है बेचारी। अब किसके बाइक को रोकें तो भी खतरा है, फिर भी अब मजबूरी वो किसी बाइक वाले को हाथ देती हैं, रोक के पार करती हैं, तो एक तरीके से रिस्क उठाती हैं वो। पर क्या करे, मजबूरी है उनकी, इसके लिए कोई आते जाते पर कोई देखी सुन नहीं रहा। ये देखिए कि किस तरीके से गाड़ियां जो हैं धीरे धीरे निकल रही हैं, जो साइकिल पे बच्चा आ रहा है किस तरीके से निकलता हुआ आ रहा, और ये ऑटो में सवारी है, उनको भी गंदगी का सामना करना पड़ता है। कभी ये जो रोड हुआ करता था पूरा, कितने दिन की समस्या, भैया इधर आइए, कितने दिन की समस्या हो गई है, कितने टाइम हो गया इसको यहाँ पर? इसको करीबन, इधर आके बताइए, इसको करीबन 4-5 दिन हो गए ऐसे ही पानी भरा हुआ है। कभी कम हो जाता है नाले की तरफ से, कभी ज्यादा हो जाता है। हाँ ये नाला ओवर हो जाता है। समस्या क्या है यहाँ की? मेन समस्या यही है, पानी भर जाता है, पानी के लिए निकास नहीं है कहीं पे जी। हाँ नाला बंद होने से पानी यहाँ भर जाता है रोड पे, नाला खुल जाए तो पानी नहीं भरेगा। और क्या देख सकते हैं, बता रहे हैं कि इस तरफ जो यह है यहाँ पर नाला है, नाला वहां से ओवरफ्लो होता है, पूरा घूम के वहां से सामने से पानी आता है। अब देखिए जो भैया हैं, आपको अलग ही नजारा दिख रहा होगा, दोनों पैर ऊपर, भैया दोनों पैर ऊपर करके आ रहे। क्या समंदर पार करा, कैसा लगा? नाला पार किया है। नाला पार किया, समंदर पार नहीं किया?
गंदा पानी है नाली का, गंदा पानी है। क्या कहेंगे पार्षदों को? आप बोलो। ये देखिए हमारे जितने भी दोर, अभी तो जितने भी पार्षद हैं वो पूर्व हो चुके हैं फिलहाल के तौर पर, क्योंकि अब वार्ड बंदी के हिसाब से एरिया जो है बट चुका है। लेकिन जो पहले वार्ड थे वो वार्ड नंबर इधर फर्नीचर मार्केट की तरफ 11 पड़ता था, और ये इधर जो आप देखेंगे प्याली चौक की तरफ तो ये 7 पड़ता था। वीर सिंह नैन का वो एरिया था, और इधर मनोज नासवा का जो पार्षद थे, दोनों पार्षदों को शर्म करनी चाहिए कि वो उनको अपनी जनता को इस गंदगी से गुजरने देना पड़ रहा है। भैया पैर उठा के आ रहे हैं, क्या कहेंगे? पानी भैया भर रहा है, क्या पानी भर रहा है भाई, है क्या है ये? क्या कह रहे हैं? रुक जाओ भैया, क्या कह रहे हो? देखिए कह रहे हैं। हाँ भैया क्या कहेंगे? हाँ समंदर पार करके आए हैं। अरे बहुत बुरा हाल है यहाँ तो फरीदाबाद में, अब क्या करें, यहाँ पानी इतना भर जाता है, समझना चाहिए ना। समुद्र पार करने में कैसा लगा आपको? समुद्र पार करने में देख लो जूते की क्या हालत हो गई है, अब क्या कर सकते हैं। ये देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर जो जनता है वो, ये देखिए किस तरीके से जो ऑटो है जितनी भी गाड़ियां हैं धीरे धीरे आ रही हैं, और इस गंदगी में से उन्हें यहाँ से साफ करना पड़ रहा है। ये देख सकते हैं किस तरीके से इस गंदगी में से निकल कर आ रहे हैं लोग। वह कितना, कभी ये रोड पूरा साफ हुआ करता था, और ये नाले की सफाई नहीं होती है कभी भी, बताते कि हर दूसरे दिन का ये काम हो जाता है कि भैया हर दूसरे दिन यहाँ पर पानी ओवरफ्लो होने लगता है। हम तो जितने भी जो हमारे पूर्व पार्षद हो चुके हैं मनोज नासवा जी और वीर सिंह नैन जी, उन दोनों से यही कहना चाहेंगे कि अगर आप अपनी जनता को आम सुख सुविधाएं नहीं दे सकते हैं तो आपको आगे चुनाव लड़ने का कोई हक भी नहीं है। देखिए किस तरीके से ऑटो में सवारियां हैं जो बच बच कर आ रही हैं, और बस यही हमारी पार्षदों से, जो पूर्व पार्षदों से गुहार है कि अपनी जनता का तो कम से कम ध्यान रखिए। बाकी की देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सिटी न्यूज़ 100।